कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर अधिक से अधिक सैंपलिंग किए जाने की मांग को लेकर युवक कांग्रेस ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष दर्शन कठायत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार के दावों के बाद भी कोरोना महामारी रोकने का नाम नहीं ले रही है। कार्यकर्ताओं ने जिले में टेस्टिंग कम होने को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग करने की मांग की है। इधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीडी जोशी ने बताया कि टेस्टिंग काफी ज्यादा संख्या में की जा रही है, साथ ही लोगों की जागरूकता के लिए भी अभियान संचालित किए जा रहे हैं। हम सारे कांग्रेस कार्यकर्ता और यूथ कांग्रेस के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए थे। जिस तरह से कोविड 19 पूरे देश और प्रदेशों में जिस तरह अपना पैर पसार रहा है, उस संबंध में आज हम अपने जिले के लिए माननीय अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी के पास आए थे। हम ये मांग करते हैं इन लोगों से कि भाई जो भी जितनी भी अभी तक फैसिलिटीज वगैरह जो अभी हैं वो नाकाफ़ी हैं इस कोरोना महामारी के लिए, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारी मांग ये है कि हम चाहते हैं कि देश में प्रदेश में जो है कोरोना टेस्ट जो है वो बढ़ाए जाएँ। उनके बढ़ाने से क्योंकि जो प्रवासी लोग यहाँ आ चुके हैं, प्रवासी भाई बहन लोग यहाँ आ चुके हैं, वो सीधे गांव में जाने तो गांव में अभी वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमारी पूरी मांग ये है कि यहाँ कोरोना जो टेस्ट है वो बढ़ाए जाएँ, जिससे जो है और अवेयरनेस उनको करा जाए, गाँव जाके जो है अवेयरनेस फैलाया जाए जो कि लोग अपने को बचा सके। हम लोग अभी ये तय करेंगे, रणनीति बनाएंगे और हम लोग गांव-गांव जाके जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में गांव-गांव जाके सारे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को इस महामारी के बारे में बताएंगे और जो भी उनको परेशानी होगी उनका अगर उनको बुखार है या कोई और प्रॉब्लम है तो उनका हम आके यहाँ पे टेस्ट कराएंगे, जिला अस्पताल में आके उनका टेस्ट करेंगे। ये मुहिम हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। मास्क सैनिटाइजर भी बांटे जाएंगे, गरीब लोगों तक पहुँचाया भी जाएगा। जिला अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आज हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पहुँचे। हम यहाँ पर सीएमओ साहब से ये दरख्वास्त करना चाहते थे कि जिले में रैपिड टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए और जिन्हें भी सैंपलिंग हो रही है इनको जल्दी से जल्दी हल्द्वानी भेजी जाए। और हमारी मुख्य मांग ये थी कि जिले में जो सैंपलिंग लैब जिले में स्थापित की जाए, परंतु ऐसा करना नामुमकिन सा लग रहा है, परंतु जिले में रैपिड टेस्ट संख्या बढ़ाई जाए और सैनिटाइजर और गांव-गांव में जाकर ग्राम प्रहरी और प्रधान द्वारा ये कोरोना महामारी के कारण लोगों को जागरूक किया जाए। अभी तक हमने हर ग्राम में जाके मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण कर चुके हैं। हम आज यूथ कांग्रेस व प्रदेश भर में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है कि आज पूरे उत्तराखंड में हर जिले में ये प्रोग्राम चल रहा है और बागेश्वर जिले में आज हम सारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ सीएमओ साहब से मिले और हमारी मांग ये है कि जिले में सैंपलिंग बढ़ाई जाए। मतलब मेरा कहना ये है कि मतलब गांव-गांव जाके मतलब जो आशा कार्यकर्ती है उन्हें भी मतलब एक गांव-गांव जाके अगर सैंपलिंग या वो चीज़ें अगर उनके द्वारा की जाती है तो उसमें कोरोना संक्रमण को इससे क्या है रोका जा सकता है। यही आज हमारी मुख्य मांग थी और हम सीएमओ साहब ने हमें बताया भी है कि मतलब हमारे द्वारा पहले भी मतलब टेस्ट कराए जा रहे हैं और ख़ासकर जो सैंपलिंग जो यहां से पहले सौ ही मतलब लोगों के टेस्ट हो पा रहे थे, लेकिन हमारी मांग है कि जो 100 टेस्ट है उसमें से कम 300-400 टेस्ट पर दे मतलब होने चाहिए, जिससे कि संक्रमण को क्या है फैलने से रोका जा सके। यूथ कांग्रेस बागेश्वर जब से ये लॉकडाउन और ये कोरोना चला निरंतर जनता के बीच में जाती रही है। हमने विटामिन सी की गोलियां भी बांटी, मास्क सैनिटाइजर घर घर जाके लोगों को वितरित किए और आगे भी हमने अभी सीएमओ साहब से मांग की कि आप हमें थर्मल स्कैनिंग दीजिए और हमें मतलब हम गांव-गांव जाके मतलब लोगों की थर्मल स्कैनिंग करने के लिए भी तैयार है और यूथ कांग्रेस हमेशा आगे भी इस कार्य को करने के लिए तैयार रहेगी। हाँ, इन्होंने मांग की है लेकिन बागेश्वर का टेस्टिंग रेट जो नेशनल एवरेज से ऊपर जा रहा है, कम नहीं है, वो वैसे भी हमने ऑलरेडी उसको बढ़ा दिया गया। इस समय 3 केसेस हैं हमारे पास कोविड केयर सेंटर में। इसको रोकथाम के लिए हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से इसकी रोकथाम मेन जो है बचाव है, इसमें डिस्टेंसिंग है, आपको मास्क पहनना है, आपको खांसने छींकने का जो भी तरीका है वो जानना है, यही अवेयरनेस पब्लिक में आएगी तो सबसे बड़ा रोकने का तरीका यही है। बाकी हमारी तरफ से कोशिश की जा रही कि जो बाहर जो 31 कोविड ओवरलोड वाले सिटीज से आ रहे हैं उनको हम आईक्यू कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो पॉजिटिव एरियाज हैं या वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनकी रैपिड सैंपलिंग कर रहे हैं, ये हमारे द्वारा किया जा रहा है। बाकी अवेयरनेस ही इसका एक उपाय है कि जनता में जब जागरूकता आएगी उसी से रोका जा सकता है। सीसीएन न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।